यहाँ पे पर्दे भी लगा रखे हैं, ये शाम को खुलेंगे सारे। ओडिशा ब्यूटी फैमिली, क्या हाल चाल, स्वागत करते हैं एक और नए ब्लॉग में आपका, और हैप्पी जन्माष्टमी सभी को मेरी तरफ से, क्योंकि भाई साहब कल है जन्माष्टमी और जब आप ये ब्लॉग देख रहे होगे जन्माष्टमी निकल चुकी होगी, क्योंकि ये ब्लॉग जन्माष्टमी के 5 से 6 दिन बाद अपलोड होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बैकअप में ब्लॉग पड़ा है मेरे पास। तो अभी का सीन ये है कि गाइस अभी आया था मैं जिम से, भाई शाम का टाइम हो रहा है, देख सकते हो क्वालिटी भी शायद आपको ख़राब दिख रही होगी वीडियो क्वालिटी। तो अभी का सीन ये है कि हमारे रुद्रपुर शहर में कीर्तन निकलता है जन्माष्टमी के टाइम, बहुत मस्त कीर्तन निकलता है, वो शाम को ही निकलता है, अभी सब 4-5 बजे से निकल रहा था, अभी 6:30 बज गए तो बहुत लेट हो गए, लेकिन चलते हैं वही दिखाना है आपको, अभी कीर्तन दिखाएंगे फिलहाल। यहाँ पे बल्ब लगे देख रहे हो, पूरे में डेकोरेशन है यहाँ से मंदिर तक, तो वो भी दिखाएंगे फिलहाल, फटाफट निकलते हैं और मार्केट में जो कीर्तन निकलता है वो दिखाएंगे आपको। सो अभी यहाँ पे देख सकते हो गाइस अपने PSC के मंदिर पे कितनी प्यारी डेकोरेशन हुई है, यहाँ से वहाँ तक भाई लाइटें लगी हैं, और ये है मंदिर, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, ऐसा ही रहना हमेशा तो और अच्छा लगेगा। फिलहाल अभी मार्केट चलेंगे और यहाँ की डेकोरेशन दिखाएंगे आपको बाद में, अभी फिलहाल इतनी देख लो बाहर बाहर से। अभी यहाँ पे पर्दे भी लगा रखे हैं, ये शाम को खुलेंगे सारे, तो शाम को दिखाएंगे आपको बढ़िया करके। सो अभी गाइस मार्केट पहुँच चुके हैं और भीड़ देख सकते हो, और सामने से ही निकल रहा है कीर्तन, तो अभी वहीं जा रहे हैं हम, तो देखते रहो। तो गाइस यहाँ से है जो कीर्तन स्टार्ट है, अब इंजॉय करो आप। तो अभी गाइस भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा हो रही है यार, यहाँ पे थोड़ा आगे चलते हैं और आगे से कंटिन्यू करते हैं कीर्तन को।
सो अभी गाइस ऑलमोस्ट कीर्तन खत्म हो चुका है। आगे देख सकते हो कीर्तन जा रहा है और पीछे सिर्फ लोग आ रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा अब देखने को। अब हम भी चलते हैं घर और घर चल के मिलते हैं आपको। सो अभी गाइस मैं आ चुका हूँ घर पे और जो भी कीर्तन निकला था वो मैंने दिखाई दिया था, आपको देख ही लिया होगा। और अभी फिलहाल चलते हैं अपने पीएससी में, भी कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, डांस वगैरह हो रहा है तो वो दिखाते हैं। और उसके बाद रात को चलेंगे अपने मंदिर, जो डेकोरेशन मैंने दिखाई थी आपको वो भी दिखाएंगे। तो अभी फिलहाल चलते हैं पीएससी वाला प्रोग्राम देखने भाई कैसा हो रहा है। गाइस फिर से घर आ चुके हैं, कुछ खास प्रोग्राम था नहीं, थोड़ा सा शूट करा 10 सेकंड के लिए, देखी होगी जो आपने। तो अभी फिलहाल घर पे चलते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद अभी 11:30 है, 12 बजे के टाइम पे चलेंगे मंदिर में डेकोरेशन दिखाने आपको। तो अभी गाइस रात के 12 बज चुके हैं और अब चलते हैं फटाफट मंदिर। रास्ता तो मस्त हो रखा है गाइस, जन्माष्टमी के टाइम पे हमेशा ऐसा ही रहा भाई, देख सकते हो पूरे में लाइट लाइट कितनी प्यारी लग रही है। चलो चलते हैं मंदिर में, मिलते हैं। सो अभी गाइस मंदिर में आ चुके हैं और मंदिर में देख सकते हो काफी भीड़ है भक्तों की, और भाई यहाँ से वहां तक लाइटें लगी है जो मैंने आपको दिखाई थी पूरे मंदिर में, और यहाँ पे चल रही है प्रसाद की तैयारी। तो अभी चलते हैं अंदर, जो मंदिर में डेकोरेशन कर रखी है वो दिखाते हैं आपको। फिलहाल भीड़ जो है हर बार की तरह ठीक ठाक भीड़ है यहाँ पे। सो अभी गाइस अंदर से कुछ ऐसी डेकोरेशन है मंदिर में, देख सकते हो आप यहाँ पे सभी के सभी देख रहे हैं। और भाई थोड़ी सी भीड़ कम होती है उसके बाद आपको डिटेल में दिखाते हैं डेकोरेशन। सो अभी गाइस यहाँ पे प्रसाद बंटना स्टार्ट हो चुका है, तो भीड़ देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा लग चुकी है यहाँ पे। सो अभी ऑलमोस्ट मंदिर खाली हो चुका है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा चुके हैं। तो अभी आपको दिखा देते हैं डेकोरेशन डिटेल में। तो सामने जो व्हाइट कलर का पहाड़ देख रहे हो, ये पहाड़ है आदि कैलाश जो कि यहाँ पे लिखा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लेक, पता नहीं कौन सी लेक है, और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बना रखा है पीएससी परेड ग्राउंड महिला वैरिक। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं गाइस तो यहाँ पे बना रखा है शस्त्रगढ़ भवन जो कि देख सकते हो एकदम सामने। और भी बहुत कुछ है गाइस यहाँ पे देख सकते हो, वह छोटा छोटा लिखा है तो दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे विराजमान है कृष्ण जी जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं, देख सकते हो, आपको सामने से दिखाता हूँ मैं। और यहाँ पे काफ़ी भक्त झूला झूला रहे थे तो बहुत प्यारे लग रहे थे। और थोड़ा आगे चलते हैं तो दिखता है शरद पूर्णिमा जो कि सामने देख सकते हो। और थोड़ा ही आगे और बढ़ते हैं तो कार पार्किंग और पंतनगर एयरपोर्ट हमको दिखता है जो कि हमारे सामने देख सकते हो गाइस। और ऊपर देख रहे हो आप वाइट कलर का पहाड़ है, ओम बना हुआ है, तो भाई ये है ओम पर्वत जो कि काफ़ी मस्त बना रखा है भाई, देख सकते हो यहाँ पे भी लाइटें वाइटें लगी हैं काफ़ी सारी। और सामने लिखा है हमारे ओम पर्वत, त्रिशूल भी लगा है यहाँ पे, तो बढ़िया बना रखा है जैसा भी है, देख लो ऐसा ही बनता है हर साल, इस साल भी ऐसा ही बना था। सो अभी यहाँ पे आ चुका है अपना प्रसाद जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहा है, प्रसाद फिनिश करते हैं उसके बाद चलते हैं घर। तो फाइनली गाइस अभी आ चुके हैं घर पे और अभी कपड़े चेंज कर लें, बस नींद आ रही है बहुत तेज, तो बस सोना भी, रात के 2 बजने वाले हैं। और आज का अपना ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, पता नहीं यार कैसा बना है, कितना बना है, जितना मेरे से शूट हो पाया उतना शूट करा मैंने। बाकी आप बता ही देना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको ब्लॉग, और ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दे देना, हर बार ही बोलता हूँ। बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल, हरे कृष्णा।